29 जुलाई 2022 झुंझुनू में पहला केस मिलने की इस तारीख से पहले ओडिशा से चला लंपी गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचने तक देश में विकराल हो चुका था। क्षितिज तक फैले गोवंश के शवों, दर्दनाक तस्वीरों और पशुपालकों के आंसुओं ने दुनिया को विचलित कर दिया। तो बच्चा बच्चे की तरह थी वो, मरने से दुखों दाद भी असली बात है, 20 साल से पाले थे। जैसे परिवार का जैसे कोई भी सदस्य जाता है उनकी तरफ से अपनी दशा उनको डेली नजर आते हैं, वैसे उनकी भी उनको देख देख के भी हमारी रोज आ रहा था। कमी होती है सर, उसकी जगह जाते हैं जब सुन्नापन दिखता है, कभी कभी तो मन बेचैन हो। राजस्थान में लंपी की गिरफ्त में आए 15.67 लाख पशुओं में से 76,030 के दम तोड़ देने से हालात चिंताजनक हो गए थे। रोजाना 4 लाख लीटर दूध की कमी के अनुमान ने तो पशुपालकों को बर्बादी के मुहाने पर ला दिया और संवेदनशील गहलोत सरकार ने बचत राहत बढ़त के बजट में लंपी से पशुओं को खोने वाले पशुपालकों के लिए 40,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर मानो पशुपालकों को मरहम व नवजीवन ही दे दिया। पहली सरकार है जो ऐसा काम कर रही है, गहलोत सरकार, वो राज्य में नहीं है, उनको बहुत धन्यवाद कहेंगे भाई हमारे। आज पशुपालकों को मिलने जा रही मुआवजे की राशि पशुपालकों का सिर्फ सहारा ही नहीं बनेगी बल्कि टॉप 10 स्कीमों के साथ उनको बेहतर जीवन भी देगी। इस बुरे वक्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सच्चे गौसेवक श्री अशोक गहलोत जी के राहत कार्य और पशुपालकों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे।